बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 21 जनवरी को अयोध्या पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है और सरयू में स्नान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरयू घाट से राम मंदिर तक पैदल भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से लगातार तैयारियां चल रही हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, अब इसी सिलसिले में बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू में स्नान करेंगे। सरयू में स्नान करने के बाद जल लेकर सरयू घाट से राम मंदिर तक पैदल जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी 22 जनवरी के लिए लगातार विशेष अनुष्ठान पर पहले से ही हैं। मंदिरों में जा रहे हैं प्रधानमंत्री, पूजा अर्चन कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बड़ी खबर यह आ रही है कि सरयू में स्नान करेंगे प्रधानमंत्री और सरयू में स्नान करने के बाद जल लेकर सरयू घाट से राम मंदिर तक वो पैदल भी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से नॉन स्टॉप काम करते हैं, यही चीज और यही विशेषता उनकी काफी ज्यादा प्रेरणादायी होती है। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जानकारी ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू में स्नान करेंगे। सरयू में स्नान करने के बाद वो जल लेकर सरयू घाट से राम मंदिर तक पैदल जाएंगे। तो एक तरफ अयोध्या में जबरदस्त तैयारियां, तो दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से भी एक इसको लेकर इंतजाम किया जा रहा है। 21 तारीख को पहुंच सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्द पहुंच सकते हैं। 21 जनवरी को कहा जा रहा है कि पीएम मोदी पहुंच सकते हैं अयोध्या। तो 22 जनवरी की तैयारियां देश भर में जोरों शोरों से चल रही हैं। खंडवा में भी भगवान राम के स्वागत के लिए 21 फीट ऊंची और 400 किलो वजनी प्रतिकृति तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला जिस मुहूर्त में विराजित होंगे, ठीक उसी समय यह प्रतिकृति भी लगाई जाएगी और इसके बाद पूरे शहर को दियों से सजाकर दिवाली मनाई जाएगी। देखिए खंडवा में अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं और इसको लेकर पूरे देश में उत्साह है। तो ऐसे में भला खंडवा कैसे अछूता रह सकता है। खंडवा में भगवान राम की प्रतिकृति बनाई जा रही है जो 21 फीट ऊंची है और जिसका वजन 400 किलो है। ऐसे में ये प्रतिकृति को तैयार क्यों किया जा रहा है, यहाँ के युवाओं से ही जानते हैं। क्या कुछ संदेश, क्या कुछ भाव, क्या कुछ कहेंगे जी? ये जो प्रतिकृति हमने बनाई है, ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अंतर्गत बनाई गई है। 22 जनवरी को पूरे देश में उत्साह रहेगा उसी उत्साह वर्धन के लिए, और उसी उत्साह को दिखाने के लिए हम ये प्रतिकृति बना रहे हैं और सराफा चौक पर स्थित करेंगे, जो कि 21 फीट लंबी और 400 किलो वजनी है। कितने दिनों से तैयार हो रही है, कितना समय और लगेगा? ये करीबन 14 दिनों से तैयार हो रही है और 3 दिन और लगेंगे इसको पूर्ण रूप लेने में। कैसे तैयार कर रहे हैं, क्या कुछ प्रतिकृति को तैयार करने में किया जा रहा है? इसके लिए हमने 14 mm की लोहे की शीट तैयार करी है जिसको CNC कटिंग से कटवाया है। इसके बाद में हम इसका कलर करा रहे हैं, जो कि 3 से 4 दिन और लग सकते हैं इसको तैयार होने में। बिल्कुल, कितना उत्साह है 22 तारीख को लेकर? बहुत उत्साह है, सभी पूरे देश में बहुत उत्साह है और हम भी इस प्रतिकृति के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि लोग अपने इसी तरह भक्ति भाव से इस उत्सव को मनाएं, हर घर में 5 दिए लगाएं। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे।